नमस्कार आम विशेष आलोचना मत को स्वागत करी मत में आज विषयवस्तु रही ओमिक्रॉन चिंता कारण भयंकर धीरे धीरे ओमिक्रॉन बाहर देश आसुवा राज्य आसुवा व्यक्ति कड़ा नजर रखी स्वास्थ्य विभाग पॉजिट चिन्हट होता व्यक्ति सरकारी व्यवस्था या हस्पिटाल स्वतंत्र ब्लक करपर अगर रोगी संस्पर्श से न आसबे तार व्यवस्था हे से होम आइसोलेसन व्यवस्था ना जनस्वास्थ्य निर्देशक निरंजन मिश्र एक सारी डेल्टा ठू पांच गुण अधिक संक्रमण करुच्ची ओमिक्रॉन वर्तमान सुधा देश में 77 आक्रांत चिन्हट होता बेले पड़ोसी राज्य में पॉजिटिव जिते पॉजिटिव चिन्हट होती ये निश्चित भाव में चिंता बढ़ाऊ बाबद आलोचना करवा कि वर्तमान टी नजर पकड़ा जे स्वास्थ्य निर्देशक निरंजन मिश्र प्रतिक्रिया स्पष्ट भाव में जमापड़ी ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट रु पांच गुण अधिक ट्रांसमिसिबल कल भी WHO विषय जनई धरतु आपणकर 23 नवेम्बर पर वर्तमान सुधा 70 पखापाखी कंट्री की व्यापी सारे बहुत शीघ्र स्प्रेड करेणु गोटे कथा क्लीयर ये बहुत जोर में व्यापुच ट्रांसमिशनटी बहुत अधिका कि एपर्तंत भी निर्दिष्ट नुह जे केमाण डीज करुच्ची एंड केभरीटी हम कैसे हस्पिटाइजेसन डेथ रेट के बढ़ से खबर एपर्त ता ऑब्जर्वेशन भितर अच्छी आड़े कथा जो कनसर्न थी गोटे हूँ किसी आबनर्माल सिमटम करमाल कॉविड भाया लक्षण प्रकाश पाँच नॉर्मल जो टेस्टिंग RT-PCR टेस्टिंग डिटेक्शन हो जोड़े जिनस निश्चित भाव नाउ एविडेन्स आज कहली वैक्सीन उपरे तार प्रभाव WHO ऑब्जर्वेशन भितर अच्छी बाबद आलोचना दिल्ली रु आम प्रतिनिधि गगन विश्वाल आम सहित जोड़ी होती गगन ओमिक्रॉन को नहीं कौन नुआ तथ्य आसुची निश्चित भाव चिन्मयी देखिए सारा बर्तन विश्व में बर्तन समस्त चिंता घारी बर्तन ओमिक्रॉन कहीं आम देखी डेल्टा कहतु डेल्टा प्लस कहतु ऑलरेडी यार अनेक वेरिएंट आगु आसी द्वितीय लहर भारत वर्ष के भयंकर होता तेमें आपंकर मन थी अनेक राज्य में ऑक्सीजन कथ कहतु मास्क कथ कहतु सानिटाइजर कथ कहतु मेडिसिन कथ कहतु अनेक आम देखी इंफ्रास्ट्रक्चर किभली भाव में डेभलप करागला केन्द्र सरकार इनिशिएटिव नेले अनेक राज्य को आर्थिक सहायता निकट में दीजिए कथा हूँ बर्तमान ओमिक्रॉन जदि भी भारत में बर्तमान लगातार भाव केसेस बढ़ी चलती पाखापाखि 68 केसेस वर्तमान भारत में देखागला अनेक राज्य तमिलनाडु कहतु महाराष्ट्र कहतु कर्णाटक राजस्थान गुजरात तेलंगाना आंध्र प्रदेश केरला ये सब राज्य देखिए बर्तमान केसेस लगातार भाव बढ़िया लगुच महाराष्ट्र जी संख्या कहे बर्तमान महाराष्ट्र संख्या 32 है भाव कर्णाटक में 3 जन राजस्थान में 17 गुजरात में 4 तेलंगाना में 3 आंध्र प्रदेश में 1 और केरला में रिसेंटली 4 जन पेसेंट गत काली इनक्लूड होगा पर केरला में बर्तमान संख्या 5 होती भाव जुहार जिते तमिलनाडु आसते से केसेस तमिलनाडु में बर्तमान संख्या 1 रही तेज कथा हूँ बर्तमान जो बर्तमान कनसर्न आहरी वृद्धि हबार आवश्यक रही लोक भितर सचेतनता को आहरी जो सचेतनता पूर्व आम द्वितीय लहर पोषअप करते पुणी आउ थे त्वरावित करार आवश्यक रही लोक मैंने सोशल डिस्टेंस किभली भाव रखिए जो दुकान बजार जो हाट रही सेठी किभली भाव समस्ते मास्क परिधान करेंगे निश्चित भाव नो डाउट बर्तमान अनेक राष्ट्र को व्यापिलानी अनेक राष्ट्र में संख्या यह वृद्धि करु बर्तमान पर्यंत गोटे आश्वस्तिकर खबर या भितर सबू भितर सबू टेनसन भितर ता हूँ ओमिक्रॉन जो मैंने भी अफेक्टेड होती कि सीरीयस पेसेंट होना सीरीयस पेसेंट होना बर्तमान पर्यटन जी आम कह भारत संख्या दृष्टि जी कहतु विश्वर जो अनेक जो राष्ट्र में बर्तमान ओमिक्रॉन वेरिएंट द्वारा अफेक्टेड होता रोगी कथा कहतु कि से सीवियर कंडीशन को जाना समस्ते नॉर्मल कंडीशन ही ट्रीटमेंट होती रिकवर कले भारत में रिकवर कले कथा हूँ जदि भी जाऊना सीरीयस कंडीशन को किंतु या एड़े दि जाने कहीं जो आम देखल दक्षिण आफ्रिका में जो ढंग से बर्तमान ये 4-5 गुण संख्या वृद्धि करेणु या विशेषज्ञ मैंने बारंबार विभिन्न रिपोर्ट दौरान तथ्य दौरान या पर लगातार भाव रिसर्च जारी रही निश्चित भाव ये पुणी थे तृतीय लहर आड़क नहीं जापे भारत को कहीं भारत जो संख्या देखिए लोक मान जो संख्या देखिए जो लोक मान पब्लिक जो कंट्रोल गगन पूरा पृथ्वी टा को देखिले
पचास वर्ष शहे वर्ष पूर्व को फेरी जाइछु एमिति स्थिति थिला किंतु तापरे सेकेंड लहर हुए तो लोक किछि मानुथिले किंतु वर्तमान जेतेबेले थार्ड लहर कथा कहा जाउछि एवं ओमिक्रोन वेरिएंट जहाँ चिन्हट करा जाउछि ताकु नेके देखिबे लोक आउ सेतेटा सचेतन नाहांति सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा होउछि लोक सचेतन होबार आवश्यकता रहिछि कारण आपण मार्केट को जानतु जो स्थान को जानतु ए कथा निश्चित आपण देखुथिबे लोक आउ मास्क मध्ये व्यवहार करुनाहांति परवर्ती समय रे गगन आपण पाखु फेरिबे आलोचना करबा किंतु वरिष्ठ चिकित्सक आम सहित डॉक्टर सुभाष साहू जोडी होउछन्ति डॉक्टर साहू आपण को आलोचना स्वागत जनाइबे डॉक्टर साहू प्रथमतः सबुठ चिंतार कारण बर्तमान आम पई पालटिलानी जे पड़ोसी राज्य रे मध्य पॉजिटिव चिन्हट हेलेनी वेस्ट बंगाल कथा कोंतु आंध्र कथा कोंतु बॉर्डर को केमती वर्तमान सुरक्षा दिया जाय परबो जो माने आसुछंती आंध्र रु किबा जे जाउछंती एपटे वेस्ट बंगाल जो माने जाउछंती केमती सेठी टेस्टिंग एवं टेस्टिंग करा जिवो देखो मु बड़ दुखित जे ए ओडिसा रे हो ए देश रे लोक मानकर सचेतनता बिल्कुल तो नहीं कहीं एक तो सचेतनता न रहीबार बहुत बड़ कारण हूँ धैर्य लोकों पाखे आई सरकार धैर्य ना कि लोकों पाखे भी धैर्य ना कहीं देखी आप कह कारण हूँ बहुत बड़ जिते पॉलिटिकल लोक जो जगह जी भी पावर रे ओडिशा रे प्राय अधिकांश जगार एमती सब मीटिंग करुचती भोजी भात करुचर निजर गोटे गोटे जगार दस हजार पांच हजार मानने से मैंने ही प्रकृत कारण होती आउटा आप कहले पड़ोशी राज्य सरकार जो पड़ोशी राज्यर जो सीमार जहाँ करवा कथा जिते पदक्षेप नवा कथा से पदक्षेप सठिक उपाय नौ ना आए बड़ जिनस हूँ आमर ये परीक्षार मुझे कौन सरकार परीक्षा जमी सिम्टम जो डाक्तर चाहते जो हिसाब से से जो परीक्षा करवा कथा से इन्वेस्टिगेशन जो ओमिक्रॉन हो यानी कोरोना रो जो टेस्ट गुड़ाक वर्तमान ठीक रूप से करा जाउ नाही जो थे कि आमर ठीक तथ्य मिलूना तथ्य न मिलवा पर सरकार ताकू जो तथ्य दौरान से लोकों पाखे पहुँचला बेलू से लोक सीरीयस नौना देखुं हाँ कौन हम कि तो ना आ परीक्षा रे परीक्षा करथिले प्रकृत जणा पडिथा तथ्य केते केते माने होउछ कि बड़ निश्चित भाव रे डॉक्टर साहू आशा करे बाजे सरकार एतिपति दृष्टि दियंतु एवं लोकक प्रथमे सचेतन करेबार आवश्यकता रहिछ आउ लोक मानु नाहंती अमान्य होउछंती प्रथमे हुए तो या उपरे जदि गुरुत्व दिया जीवो ताहाले ओमिक्रॉन को मध्य आमे मात दे पारिबा बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहू आपणकर आलोचना पई वर्तमान नजर पकाइबा जे खाद्य प्रक्रियाकरण उपरे जातीय सम्मेलन रो अधिवेशन उपरे जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन रे संबोधित कर समझौते उसकी भी चर्चा हुई उसका भी कुछ प्रगति हुई है इनमें भी इथेनॉल ऑर्गेनिक फार्मिंग और फूड प्रोसेसिंग को लेकर जो उत्साह दिखा है नई संभावनाओं को विस्तार देता है मुझे इस बात का भी संतोष है कि गुजरात में हमने टेक्नोलॉजी और नेचुरल फार्मिंग में तालमेल के जो प्रयोग किए थे वो पूरे देश को दिशा दिखा रहे हैं मैं फिर एक बार गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी का विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने देश के किसानों को नेचुरल फार्मिंग के बारे में इतना सरल शब्दों में स्व अनुभव की बातों के द्वारा बड़े विस्तार से समझाया है साथियों आजादी के अमृत महोत्सव में आज समय अतीत के अवलोकन का उनके अनुभवों से सीख लेकर नए मार्ग बनाने का भी है आजादी के बाद के दशकों में जिस तरह देश में खेती हुई जिस दिशा में बढ़ी वो हम सब ने बहुत बारीकी से देखा है अब आजादी के 100वें वर्ष तक का जो हमारा सफर है आने वाले 25 साल का जो सफर है वो नई आवश्यकताओं नई चुनौतियों के अनुसार
अपनी खेती को ढालने का है। बीते 6-7 साल में बीज से लेकर बाजार तक किसान की आय को बढ़ाने के लिए एक के बाद एक अनेक कदम उठाए गए हैं। मिट्टी की जांच से लेकर सैकड़ों नए बीज तैयार करने तक, पीएम किसान सम्मान निधि से लेकर लागत का 1.5 गुना एमएसपी करने तक, सिंचाई के सशक्त नेटवर्क से लेकर किसान रेल तक अनेक कदम उठाए हैं। और श्रीमान तोमर जी ने इसका कुछ जिक्र भी अपने भाषण में किया है। खेती के साथ साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन और सौर ऊर्जा, बायोफ्यूल जैसे आय के अनेक वैकल्पिक साधनों से किसानों को निरंतर जोड़ा जा रहा है। गांवों में भंडारण, कोल्ड चेन और फूड प्रोसेसिंग को बल देने के लिए लाखों करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ये तमाम प्रयास किसान को संसाधन दे रहे हैं, किसान को उसकी पसंद का विकल्प दे रहे हैं। लेकिन इन सब के साथ एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने है। जब मिट्टी ही जवाब दे, जब मिट्टी ही जवाब दे जाएगी तब क्या होगा? जब मौसम ही साथ नहीं देगा, जब धरती माता के गर्भ में पानी सीमित रह जाएगा तब क्या होगा? आज दुनिया भर में खेती को इन चुनौतियों से दो चार होना पड़ रहा है। ये सही है कि केमिकल और फर्टिलाइजर ने हरित क्रांति में अहम रोल निभाया है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि हमें इसके विकल्पों पर भी साथ ही साथ काम करते रहना होगा और अधिक ध्यान देना होगा। खेती में उपयोग होने वाले कीटनाशक और केमिकल फर्टिलाइजर हमें बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करना पड़ता है, बाहर से दुनिया के देशों से अरबों खरबों रुपया खर्च करके लाना पड़ता है। इस वजह से खेती की लागत भी बढ़ती है, किसान का खर्च बढ़ता है और गरीब की रसोई भी महंगी होती है। ये समस्या किसानों और सभी देशवासियों की सेहत से जुड़ी हुई भी है, इसलिए सतर्क रहने की आवश्यकता है, जागरूक रहने की आवश्यकता है। साथियों, गुजरात में कहावत है, हर घर में बोली जाती है, पानी आवे तो पहला पाळ बांधो, पानी पहला पाळ बांधो, ये आपणे त्यां बधा ज कहता होय छे। इसका तात्पर्य ये कि इलाज से पहले परहेज बेहतर। इससे पहले की खेती से जुड़ी समस्याएं भी विकराल हो जाए, उससे पहले बड़े कदम उठाने का ये सही समय है। हमें अपनी खेती को केमिस्ट्री की लैब से निकालकर नेचर यानी प्रकृति की प्रयोगशाला से जोड़ना ही होगा। जब मैं प्रकृति की प्रयोगशाला की बात करता हूं तो ये पूरी तरह से विज्ञान आधारित ही है। ये कैसे होता है इसके बारे में अभी आचार्य देवव्रत जी ने विस्तार से बताया भी है, हमने एक छोटी सी फिल्म में भी देखा है
और जैसे उन्होंने कहा, उनकी किताब प्राप्त कर करके भी यूट्यूब पर आचार्य देवव्रत जी के नाम से ढूंढेंगे तो उनके भाषण भी मिल जाएंगे। जो ताकत खाद में है, फर्टिलाइजर में है, वो बीज, वो तत्व प्रकृति में भी मौजूद है। हमें बस उन जीवाणुओं की मात्रा धरती में बढ़ानी है, जो उसकी उपजाऊ शक्ति को बढ़ाना है। कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसमें देसी गायों की भी अहम भूमिका है। जानकार कहते हैं कि गोबर हो, गौमूत्र हो, इससे आप ऐसा समाधान तैयार कर सकते हैं जो फसल की रक्षा भी करेगा और उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाएगा। बीज से लेकर मिट्टी तक सबका इलाज आप प्राकृतिक तरीके से कर सकते हैं। इस खेती में ना तो खाद पर खर्च करना है, ना कीटनाशक पर। इसमें सिंचाई की आवश्यकता भी कम होती है और बाढ़ सूखे से निपटने में भी ये सक्षम होती है। चाहे कम सिंचाई वाली जमीन हो या फिर अधिक पानी वाली भूमि, प्राकृतिक खेती से किसान साल में कई फसलें ले सकता है। यही नहीं, जो गेहूं, धान, दाल या जो भी खेत से कचरा निकलता है, जो पराली निकलती है, उसका भी इसमें सदुपयोग किया जाता है। यानी कम लागत ज्यादा मुनाफा, यही तो प्राकृतिक खेती है। साथियों, आज दुनिया जितना आधुनिक हो रही है उतना ही बैक टू बेसिक की ओर बढ़ रही है। इस बैक टू बेसिक का मतलब क्या है? इसका मतलब है अपनी जड़ों से जुड़ना। इस बात को आप सब किसान साथियों से बेहतर कौन समझता है? हम जितना जड़ों को सींचते हैं उतना ही पौधे का विकास होता है। भारत तो एक कृषि प्रधान देश है, खेती किसानी के इर्द गिर्द ही हमारा समाज विकसित हुआ है, परंपराएं पोषित हुई है, पर्व त्योहार बने हैं। यहां देश के कोने कोने से किसान साथी जुड़े हैं। आप मुझे बताइए, आपके इलाके का खान पान, रहन सहन, त्योहार परंपराएं, कुछ भी ऐसा जिस पर हमारी खेती का, फसलों का प्रभाव न हो? कुछ भी नहीं है। जब हमारी सभ्यता किसानी के साथ इतना फली फूली है तो कृषि को लेकर हमारा ज्ञान विज्ञान को कितना समृद्ध रहा होगा, कितना वैज्ञानिक रहा होगा। इसलिए भाइयों बहनों, आज जब दुनिया ऑर्गेनिक की बात करती है, नेचुरल की बात करती है, आज जब बैक टू बेसिक की बात होती है, तो उसकी जड़ें भारत से जुड़ती दिखाई पड़ती हैं। साथियों, यहां पर कृषि से जुड़े कई विद्वान लोग उपस्थित हैं जिन्होंने इस विषय पर व्यापक शोध किया है। आप लोग जानते ही हैं, हमारे यहां ऋग्वेद और अथर्ववेद से लेकर हमारे पुराणों तक कृषि, पाराशर और काश्यपीय कृषि सूक्त जैसे प्राचीन ग्रंथों तक, और दक्षिण में तमिलनाडु के संत तिरुवल्लुवर जी से लेकर उत्तर में कृषक कवि घाघ तक हमारी कृषि पर
कितनी बारीकियों से शोध हुआ है। जैसे एक श्लोक है, गोहितः क्षेत्रगामी च कालजो बीज तत्पर, कालज्ञो बीज तत्पर, वितंद्रः सर्वशास्त्राढ्य कृषको न अवसीदति। अर्थात जो गोधन का, पशुधन का हित जानता हो, मौसम समय के बारे में जानता हो, बीज के बारे में जानकारी रखता हो और आलस न करता हो, ऐसा किसान कभी परेशान नहीं हो सकता, गरीब नहीं हो सकता। ये एक श्लोक नेचुरल फार्मिंग का सूत्र भी है और नेचुरल फार्मिंग की ताकत भी बताता है। इसमें जितनी भी संसाधनों का जिक्र है सारे प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हैं। इसी तरह कैसे मिट्टी को उर्वरा बनाएं, कब कौन सी फसल में पानी लगाएं, कैसे पानी बचाएं, इसके कितने ही सूत्र दिए गए हैं। एक और बड़ा प्रचलित श्लोक है, नैरुत्यार्थ ही धान्यानाम जलम भाद्रे विमोचयते, मूलम मात्र तो संस्थाप्य कार्य जट मोक्षणम। यानी फसल को बीमारी से बचाकर पुष्ट करने के लिए भादो के महीने में पानी को निकाल देना चाहिए, केवल जड़ों के लिए ही पानी खेत में रहना चाहिए। इसी तरह कवि गाग ने भी लिखा है, गेहूं बाहें चना दलाएं, धान गाहें मक्का निराएं, उख कसाए, यानी खूब वाह करने से गेहूं, खोंटने से चना, बार बार पानी मिलने से धान, निराने से मक्का और पानी में छोड़कर बाद में गंगा बोने से उसकी फसल अच्छी होती है। आप कल्पना कर सकते हैं, करीब करीब 2000 वर्ष पूर्व तमिलनाडु में संत तिरुवल्लुवर जी ने भी खेती से जुड़े कितने ही सूत्र दिए थे। उन्होंने कहा था, तोड़ी पुडुड़ी कछचा उनकिन, पीड़ी थेरुवम बेंडादू सालप पड़ुम। अर्थात इफ द लैंड इज ड्राइड सो एज टू रिड्यूस 1 ounce ऑफ अर्थ टू क्वार्टर, इट विल ग्रो प्लेंटीफुली इवन विदाउट ए हैंडफुल ऑफ मैन्योर। साथियों, कृषि से जुड़े हमारे इस प्राचीन ज्ञान को हमें न सिर्फ फिर से सीखने की जरूरत है बल्कि उसे आधुनिक समय के हिसाब में तराशने की भी जरूरत है। इस दिशा में हमें नए सिरे से शोध करने होंगे, प्राचीन ज्ञान को आधुनिक वैज्ञानिक फ्रेम में डालना होगा। इस दिशा में हमारे ICAR जैसे संस्थानों की, कृषि विज्ञान केंद्रों, कृषि विश्वविद्यालयों की भूमिका बहुत बड़ी हो सकती है। हमें जानकारियों को केवल रिसर्च पेपर्स और थियरीज तक ही सीमित नहीं रखना है, हमें उसे एक प्रैक्टिकल सक्सेस से बदलना होगा। लैब टू लैंड, यही हमारी यात्रा होगी। इसकी शुरुआत भी हमारे ये संस्थान कर सकते हैं। आप ये संकल्प ले सकते हैं कि आप नेचुरल फार्मिंग को, प्राकृतिक खेती को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक ले जाएंगे। आप जब
ये करके दिखाएंगे कि ये सफलता के साथ संभव है, तो सामान्य मानवी भी इससे जल्द से जल्द जुड़ेंगे। साथियों, नया सीखने के साथ हमें उन गलतियों को भुलाना भी होगा पड़ेगा जो खेती के तौर तरीकों में आ गई है। जानकार ये बताते हैं कि खेत में आग लगाने से धरती अपनी उपजाऊ क्षमता खोती जाती है। हम देखते हैं कि जिस प्रकार मिट्टी को, और ये बात समझने जैसी है, जिस प्रकार मिट्टी को जब तपाया जाता है तो वो ईंट का रूप ले लेती है और वो ईंट इतनी मजबूत बन जाती है कि इमारत बन जाती है, लेकिन फसल के अवशेषों को जलाने की हमारी यहां परंपरा सी पड़ गई है। पता है कि मिट्टी तपती है तो ईंट बन जाती है, फिर भी हम मिट्टी तपाते रहते हैं। इसी तरह एक भ्रम ये भी पैदा हो गया है कि बिना केमिकल के फसल अच्छी होगी ही नहीं, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। पहले केमिकल नहीं होते थे लेकिन फसल अच्छी होती थी। मानवता के विकास का इतिहास इसका साक्षी है। तमाम चुनौतियों के बावजूद कृषि युग में मानवता सबसे तेजी से फली फूली आगे बढ़ी, क्योंकि तब सही तरीके से प्राकृतिक खेती की जाती थी, लगातार लोग सीखते थे। आज औद्योगिक युग में तो हमारे पास टेक्नोलॉजी की ताकत है, कितने साधन हैं, मौसम की भी जानकारी है। अब तो हम किसान मिलकर के एक नया इतिहास बना सकते हैं। तो आप देखुले जो प्रक्रियाकरण उपरे जातीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासी को संबोधित करुथिले, केमिति नेचुरल बा ऑर्गेनिक फार्मिंग करा जाय परबा देश रे, जहारो पूरा उदाहरण दउथिले जे टेक्नोलॉजी एवं नेचुरल फार्मिंग द्वारा पूरा देश को कृषि क्षेत्र रे केमिति बड़ दिग्दर्शन मिलिबो से नै मध्य आलोचना करथिले। समस्त अछि स्वतंत्र कार्यक्रम को एठ रखुछु। नमस्कार।